लिपि पढ़ा सहचारी अर्थशास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय नाथ द्वारा। आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आय प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि तटस्था वक्र के चैप्टर में पढ़ाया जाता है। आय प्रभाव क्या होता है, आय प्रभाव की कौन कौन सी श्रेणियां हैं और आय प्रभाव के माध्यम से हम किस प्रकार से वस्तु की प्रकृति का पता कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसको जानेंगे। व्यक्ति के आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे आय प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। जैसे देखिए, मान लीजिए इनकम है, इनकम एक व्यक्ति की 100 रुपीज है, प्राइस ऑफ एक्स 10 रुपीज है, प्राइस ऑफ वाई मान लीजिए 20 रुपीज है। तो हम ये देखेंगे कि अगर वो एक्स वस्तु ले सकता है तो 10 ले सकता है, और वाई वस्तु अगर पूरी आय से वाई वस्तु खरीदता है तो वो कितने खरीद सकता है, 5 खरीद सकता है। तो ये उसकी बजट रेखा है। अब मान लीजिए इनकम घटकर 80 रुपीज हो जाती है, 80 रुपीज हो जाती है, तो वाई वस्तु वह 4 ही ले सकता है, एक्स वस्तु 8 ले सकता है। तो यहां इसके आय बजट लाइन ये हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर इनकम बढ़कर 120 रुपीज हो जाती है तो वह ये 6 ले सकता है और ये आपका 12 ले सकता है। तो ये इनकम, तो ये अलग अलग आय वक्र हो गए। ये बजट रेखा जो है ये 100 रुपीज खर्च करने पर ये बजट रेखा है, ये 80 रुपीज खर्च करने पर है और ये 120 रुपीज खर्च करने पर है। अब मान लीजिए वो कंज्यूमर यहां पर संतुलन में तटस्थ वक्र आईसी वन पर, जैसा कि आपको पहले से वीडियो में तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता के संतुलन में बताया था कि उपभोक्ता का संतुलन तटस्थ वक्र पर उस बिंदु पर होता है जहां तटस्थ वक्र और तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है, जो वीडियो अलग से इसके लिए बनाया हुआ है उपभोक्ता का संतुलन। तो ये देखिए, पहला मान लीजिए पी बिंदु पर है, ये आई जब आय 100 है तो ये आईसी 2 के क्यू बिंदु पर है, और जब आय 120 है तो ये आईसी 3 के सी बिंदु पर है, पी क्यू आर बिंदु पर है। तो पी से क्यू और क्यू से आर, पी टू क्यू, ये आय प्रभाव है। वापिस समझिए, आय प्रभाव क्या है, व्यक्ति की आय में होने वाले परिवर्तन से उसके द्वारा एक्स और वाई वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे ही आय प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। तो यहां देखिए, एक्स वस्तु एक्स वन मांग रहा है, वाई वस्तु वाई वन मांग रहा है, आय बढ़कर 80 से 100 हो जाती है तो एक्स वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा एक्स टू हो गई, वाई वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा वाई टू हो गई, आय बढ़कर फिर 120 हो जाती है तो एक्स वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा एक्स थ्री हो गई, वाई वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा वाई थ्री हो गई। तो ये जो प्रभाव है जिस कारण से वह आय बढ़ने पर कंज्यूमर के द्वारा एक्स और वाई वस्तु अधिक मात्रा में खरीदी जाती है उसको हम आय प्रभाव की संज्ञा देते हैं। अब देखिए एक बार और इसको हम समझेंगे अच्छे से, उसके बाद आय प्रभाव के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, आप इसको समझिए कि आय प्रभाव क्या है। वापिस एक बार मैं आपको बताता हूं कि आय प्रभाव कहां किसे जाता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो आय प्रभाव देखिए, इनकम है 100 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स 10 रुपीज, प्राइस ऑफ वाई 20 रुपीज। तो यहां देखिए, स्टार्टिंग में ये 10 ले सकता है, ये 5 ले सकता है, तो ये हमारी पहली बजट लाइन। अब अगर इनकम बढ़कर 120 हो जाती है तो ये बजट लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये 12 ले सकता है, ये 6 ले सकता है। तो मान लीजिए पहले वाले में आईसी 1 पर वक्र पड़ता और दूसरे वाले में आईसी 2 वक्र पड़ता कंज्यूमर P, तो यहां से P से Q, जहां X वस्तु X1 से इसने ज्यादा बढ़ाई आय बढ़ने की वजह से X2, और Y वस्तु पहले Y1 लेता था, Y1 से इसने बढ़ाई Y2। तो ये जो P से Q तक है, P टू Q, इसको बोलते हैं आय प्रभाव, क्योंकि ये X और Y वस्तु की जो ज्यादा मात्रा खरीद रहा है किसकी वजह से कर रहा है, आय में होने वाले परिवर्तन की वजह से। जो मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन हुआ, X वस्तु उसने OX1 की जगह OX2 खरीदी और Y वस्तु उसने OY1 की जगह OY2 खरीदी, तो P से Q तक उपभोक्ता का जो संतुलन में चेंज आया है उसे ही आय प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, हम ये देखेंगे आय प्रभाव से वस्तु की प्रकृति के बारे में पता करना। अब देखिए, अब ये देखेंगे आय प्रभाव वह वस्तु की प्रकृति। देखिए फर्स्ट, देखिए ये पहला इनकम रेखा है, ये दूसरी इनकम रेखा है। उपभोक्ता पहले आईसी वन वक्र पर था और अभी मान लीजिए आईसी टू पर,
पहला इनकम वक्र, दूसरा इनकम वक्र। अब ये क्या कर रहा है, ये ICC1 कीमत उपभोग, इसको बोलेंगे आय उपभोग वक्र, आय उपभोग वक्र। किसको कहते हैं, उपभोक्ता के विभिन्न आय स्तर पर उपभोक्ता के संतुलन बिंदु को मिलाने वाले वक्र को आय उपभोग वक्र कहते हैं। वापस देखिए, विभिन्न आय स्तर पर उपभोक्ता के संतुलन, जैसे यहां संतुलन पी बिंदु, यहां संतुलन है क्यू बिंदु, तो उपभोक्ता के आय के विभिन्न स्तर पर उपभोक्ता के संतुलन को मिलाने वाले वक्र को आय उपभोग वक्र कहते हैं। इसको बोलते हैं इनकम कंजप्शन कर्व, आईसीसी। अब देखिए आईसीसी, आईसीसी कीमत उपभोग वक्र का ढाल है या आय उपभोग वक्र का ढाल है, और वस्तु की प्रकृति पता करनी। तो यहां देखिए क्या हुआ, आय बड़ी जो है, पहले आय ए बी थी, ए बी से ए डैश बी डैश हो गई, तो उपभोक्ता ने क्या किया, एक्स वस्तु, देखिए वाई वस्तु उतनी की उतनी खरीदी, एक्स वस्तु बढ़ाई, आय बढ़ने पर उसने एक्स वस्तु क्या करी, ज्यादा खरीदी, और वाई वस्तु उतने की उतनी रही। तो एक्स वस्तु वह ज्यादा खरीद रहा है तो एक्स वस्तु तो श्रेष्ठ है, और वाई वस्तु उतने ही कर रहा है तो सामान्य, क्योंकि वाई वस्तु की मात्रा को नहीं बढ़ा रहा है, आय बढ़ी तो उसने एक्स वस्तु तो ज्यादा बढ़ी, और वाई वस्तु जितने ले रहा था उतने ले रहे हैं। जैसे नमक है, नमक आय बढ़ने के साथ उतना ही खरीदेंगे, हो सकता है अदर आइटम हम ज्यादा खरीदें। तो इस स्थिति में हम कहेंगे, इसको हम ICC2 की संज्ञा देते हैं। तो यहां देखिए ICC2 में क्या है, ICC1 अभी मैं बनाता हूं, ICC2 में एक्स वस्तु जो है, एक्स वस्तु श्रेष्ठ है और वाई वस्तु सामान्य है। अब इसी को देखिए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पहला आय वक्र है, ये दूसरा आय वक्र है, मतलब आय बढ़ने पर ऊपर चला गया। पहले उपभोक्ता IC1 वक्र के P1 बिंदु पर संतुलन में था, दूसरी बार IC2 वक्र के Q बिंदु पर संतुलन में था, ये ICC1। तो क्या हो रहा है, देखिए पहले पहली जो उसकी आय रेखा थी AB थी, उसके बाद आय बढ़ने पर A डैश B डैश हुई, आय बढ़ने पर उपभोक्ता ने क्या किया, एक्स वस्तु X1 से X2 करी, ज्यादा खरीदी, और वाई वस्तु पहले Y2 लेता था, आय बढ़ने पर वो वाई वस्तु लेना कम कर दिया उसने। जैसे डालडा घी आय बढ़ने पर उसने खरीदना कम कर दिया, या गुड़ उसने आय बढ़ने पर कम खरीदना चालू कर दिया, या हम कह रहे हैं बाजरा, ये गेहूं है और ये बाजरा है, तो आय बढ़ने पर उसने बाजरा कम लेना चालू कर दिया, उसकी जगह गेहूं लेना ज्यादा चालू कर दिया। तो यहां देखिए एक्स वस्तु बढ़ रही है तो एक्स वस्तु श्रेष्ठ है, और वाई वस्तु घट रही है, घट रही है, तो हम बोलेंगे वस्तु घटिया है। तो आईसीसी वक्र का ढाल अगर नीचे की तरफ है तो एक्स वस्तु तो श्रेष्ठ है, एक्स बढ़ रही है, वाई वस्तु घट रही है इसलिए वाई वस्तु घटिया है। इसमें देखिए एक्स वस्तु बढ़ रही है इसलिए श्रेष्ठ है, वाई वस्तु सामान्य है, क्योंकि न तो बढ़ रही है और न घट रही है। तीसरा और ढाल भी हम देख सकते हैं, इसमें कई प्रकार के ढाल हो सकते हैं। हम तीसरी ढाल की बात करते हैं कि आईसीसी वक्र अगर इस प्रकार का हो, मान लीजिए फर्स्ट इनकम बढ़ने के बाद, ये पहले IC1 जब AB बजट रेखा थी तो IC1 वक्र के P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में था, जब बजट रेखा बढ़कर A डैश B डैश हो जाती है तो IC2 वक्र के Q बिंदु पर संतुलन में है। तो यहां देखिए X I बढ़ने पर X वस्तु उसने बढ़ाकर X1 से X2 कर दी, और Y वस्तु पहले Y1 खरीदता था और Y वस्तु अब क्या कर दी, Y2 खरीदी, यानी X भी बढ़ी और Y भी बढ़ी। तो एक्स ICC3 इसको लिखेंगे हम, ICC ये जो कर्व है ICC3 की आय उपभोग वक्र थर्ड है, तो थर्ड में एक्स वस्तु बड़ी इसलिए श्रेष्ठ, और वाई वस्तु बड़ी इसलिए वाई वस्तु भी क्या है, श्रेष्ठ है। इसके बाद देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले इनकम, ये पहले बजट रेखा ये भी, ये दूसरी बजट रेखा ए डैश बी डैश आय बढ़ने पर। अब देखिए ये पहला IC1 और ये दूसरा IC2, P बिंदु पर पहले संतुलन में था अभी Q पर है, ये ICC4 हम इसको नाम दे रहे हैं, ICC4, ICC4 इनकम कंजप्शन कर्व 4। तो यह देखिए आय बढ़ी तो X वस्तु तो पहले X1 ले रहा था उतनी उतनी ले रहा है,
वाई वस्तु पहले वाई वन ले रहा था और वाई वस्तु उसने बढ़ाकर क्या कर दी, वाई टू कर दी। यानी एक्स वस्तु तो उतने ही रखता है, वाई वस्तु को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आय बढ़ने पर ये एक्स वस्तु पर खर्चा नहीं करता है, एक्स वस्तु जितनी ले रहा है उतनी लेता है, और आय बढ़ने पर वाई वस्तु की मात्रा पहले वाई वन लेता था, अब क्या ले रहा है वाई टू, यानी वाई की मात्रा इसने बढ़ाई। तो एक्स वस्तु उतनी ही रखी तो हम बोलेंगे एक्स वस्तु सामान्य है, वाई वस्तु को बढ़ाया इसलिए हम बोलेंगे वाई वस्तु क्या है, श्रेष्ठ वस्तु है। और ऐसा भी हो सकता है, एक और हम बात करेंगे कि ये पहला इनकम वक्र है, ये दूसरा इनकम वक्र है। पहले आईसी वन वक्र के पी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में था, अब ये आईसी टू वक्र के क्यू बिंदु पर संतुलन में है। तो ये जो कर्व है, ये कर्व इस प्रकार का, देखिए ये आईसीसी फाइव कर्व। अब आप देखिए, पहले आय कम थी तो मजबूरी में ये डालता की खड़ा था, ये एक्स टू, और देसी की कम लेता था। आय बढ़ी तो इसने डालता की खाना कम कर दिया एक्स वन, और देसी की खाना ज्यादा चालू कर दिया। तो यानी वाई वस्तु को तो इसने बढ़ाया, एक्स वस्तु को इसने घटाया। आईसीसी फाइव में एक्स वस्तु घटती है इसलिए घटिया, और वाई वस्तु बढ़ती है इसलिए श्रेष्ठ। इस प्रकार से आईसीसी वक्र के ढाल से हम वस्तु की प्रकृति का पता कर सकते हैं। आईसीसी के हमने पांच ढाल बताए, मैं आपको एक ही साथ बनाकर बता रहा हूं। ये आईसीसी वन, इसमें एक्स बढ़ी वाई घटी। फिर हमने बताया था आईसीसी टू, इसमें एक्स स्थिर, एक्स बढ़ी वाई स्थिर रही। तीसरा ये बनाया था आईसीसी थ्री, इसमें एक्स भी बढ़ी वाई भी बढ़ी। चौथा बताया था आईसीसी फोर, इसमें एक्स स्थिर रही वाई बढ़ी। और पांचवा ढाल ये है कि आईसीसी फाइव ये वाला ढाल, तो इसमें एक्स घटी और वाई बढ़ी। तो आईसीसी वन इसमें देखिए, इसमें आप करेंगे तो एक्स वस्तु बढ़ रही है वाई वस्तु घट रही है, इसलिए एक्स बढ़ रही है इसलिए श्रेष्ठ, वाई घट रही है इसलिए घटिया। दूसरा हम देखेंगे तो एक्स वस्तु तो बढ़ रही है, वाई वस्तु स्थिर है, तो वाई वस्तु सामान्य है, एक्स वस्तु श्रेष्ठ। तीसरे में एक्स भी बढ़ रही है और वाई भी बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे दोनों ही श्रेष्ठ है। चौथे में एक्स वस्तु स्थिर है, वाई वस्तु बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे एक्स तो सामान्य है, वाई श्रेष्ठ है। पांचवे में एक्स वस्तु जैसा, ये देखिए एक्स वस्तु घट रही है और वाई वस्तु बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे एक्स वस्तु घट रही है इसलिए घटिया, वाई वस्तु बढ़ रही है इसलिए श्रेष्ठ है। इस प्रकार से आईसीसी वक्र के ढाल से हम वस्तु की प्रकृति का पता कर सकते हैं। हम आईसीसी वक्र के ढाल को देखकर बता सकते हैं कि वस्तु श्रेष्ठ है या घटिया है या सामान्य है। अब देखिए, ये आय पे डिपेंड करता है। एक ही वस्तु एक बार श्रेष्ठ हो सकती है, दूसरी बार घटिया भी हो सकती है। जैसे देखिए, एक व्यक्ति है वो गरीब से अमीर होता है। मान लो पहले इनकम उसकी इतनी थी, फिर इनकम बढ़ी, फिर इनकम थोड़ी और बढ़ी, फिर उसकी इनकम और बढ़ी, और लास्ट में मान लीजिए इनकम और बढ़ी। पहले 3,000 कमाता था, फिर 3 से 10,000 हुए, 10,000 से 25,000 हुए, 25,000 से 50,000 हुए, 50,000 से मान लो 1,00,000 कमाता है। तो देखिए, शुरू में आईसीसी वन वक्र के पी वन बिंदु पर था, फिर ये आईसी टू पर गया, फिर ये आईसी थ्री पर, फिर ये आईसी फोर पर, और ये आईसी फाइव। तो ये देखिए, ये कर्व है आईसीसी कर्व, पहले यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। यहां देखिए, स्टार्टिंग में आय बढ़ने के साथ ही एक्स वस्तु को बढ़ा रहा था। यहां देखिए, एक्स वस्तु पहले इसने एक्स वन से एक्स टू करी, फिर आय बढ़ी तो इसने बढ़ी। तो पी से क्यू और आर तक एक्स, पी से क्यू, क्यू से आर तक एक्स वस्तु श्रेष्ठ थी। अब इनकम ज्यादा बढ़ गई तो उसने एक्स वस्तु लेना पहले से कम कर दिया, देखिए कम करी, और यहां और भी कम करी, उल्टा चला, दिख रहा है। तो यहां बाद में क्या हुआ, एस और टी पर एक्स वस्तु क्या हो गई, घटिया हो गई। इसी प्रकार से वाई वस्तु के बारे में भी हम बता सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वस्तु की प्रकृति उपभोक्ता की आय के हिसाब से श्रेष्ठ भी हो सकती है और घटिया भी हो सकती है। व्यक्ति जब गरीब था तो वो डालडा घी ज्यादा खरीदता था, तो उस समय उसकी आय बढ़ने के साथ वो डालडा घी और ज्यादा खरीदता था, तो उस समय उसके लिए डालडा घी एक श्रेष्ठ वस्तु के रूप में था। पर आय एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गई तो उसने आय डालडा घी खरीदने की जगह, देखिए स्टार्टिंग में तो हो सकता है वो आधा किलो ही डालडा घी लेता हो स्टार्टिंग में, फिर जैसे उसकी इनकम बढ़ी उसने डालडा घी का कंजप्शन बढ़ाया,
पर एक लिमिट से ज्यादा इनकम बढ़ी तो उसने क्या किया, डालडा घी की जगह क्या लेना चालू कर दिया, देसी घी खरीदना चालू कर दिया। तो ये इनकम बढ़ने के तो इस स्थिति में क्या हुआ, उसके लिए जो डालडा घी है एक घटिया वस्तु के रूप में हो गया। तो इस प्रकार से इनकम प्रभाव ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक वस्तु अगर श्रेष्ठ है तो वह श्रेष्ठ ही रहेगी और घटिया है तो घटिया ही रहेगी। उपभोक्ता की आय के हिसाब से एक ही वस्तु कभी श्रेष्ठ हो सकती है, वही वस्तु बाद में घटिया हो सकती है, और जो वस्तु पहले घटिया थी हो सकता है वो बाद में श्रेष्ठ हो सकती है। कोई व्यक्ति है वो मान लो मेथी दाना या कुछ ऐसी चीजें नहीं खाता है, उसको घटिया लगती है, बाद में उसको डायबिटीज हो गई, तो उसके लिए हो सकता है वही मेथी दाना बाद में श्रेष्ठ हो जाए। तो ये वस्तु की प्रकृति और उपभोक्ता की आय पर डिपेंड करता है कि आय के आधार पर वस्तु की प्रकृति की भी बता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु गिफिन है, कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, इसके बारे में भी हम बता सकते हैं। जैसे देखिए उपभोक्ता की आय है, ये एक्स वस्तु है, आय आय बढ़ने पर ये हो गया। मान लीजिए स्टार्टिंग में उपभोक्ता IC1 वगैरह पर था और दोबारा में वो IC2 पर चला जाता है, यानी वो क्या करता है, आय बढ़ने के साथ एक्स वस्तु का कंजप्शन घटाता है, ICC। यानी एक्स वस्तु पहले X1 खरीदता था, वो अब पहले की तुलना में X0 खरीदता है। तो ये बताता है, ये इस चीज को बताता है कि आय बढ़ने के साथ खरीदे जाने वाली मात्रा क्या है, कम है। जैसे सामान्य आय वक्र पॉजिटिव होता है, पर यहां देखिए आय I1 थी तो खरीदी जाने वाली मात्रा इतनी थी, आय बढ़कर I2 हो जाती है तो खरीदी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है। तो ये इसका आय वक्र वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी आय कम होने पर कंज्यूमर ज्यादा खरीदता है और आय बढ़ने पर कंज्यूमर कम खरीदता है। तो इससे हम गिफिन वस्तुओं के बारे में पता कर सकते हैं कि गिफिन वस्तु देखिए किस प्रकार से, यहां देखिए इन द स्टार्टिंग ये एक्स वस्तु ज्यादा खरीद रहा है, उसके बाद ये कम खरीद रहा है। यहां देखिए वाई वस्तु ICC1 वक्र देखिए, ICC1 यहां देखिए आय बढ़ने के साथ उपभोक्ता एक्स वस्तु की और वाई वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीद रहा है। इस बिंदु तक, इस बिंदु के पास एक्स आय बढ़ने पर वो वाई वस्तु की मात्रा कम खरीदता है, एक्स वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीदता है। तो इस बिंदु के बाद एक्स वस्तु तो इसके लिए श्रेष्ठ है और वाई वस्तु इसके लिए क्या हो गई, घटिया, क्योंकि आय बढ़ने के साथ वाई वस्तु क्या कर रहा है, कम खरीद रहा है। इसी प्रकार से अगर मान लो ये कर्व इस प्रकार से हो, तो यहां तक इस बिंदु तक एक्स और वाई दोनों बढ़ रही है, इसके बाद एक्स वस्तु वह कम खरीदता है ICC2। इसमें देखिए ICC में वाई वस्तु तो है श्रेष्ठ, क्योंकि वाई वस्तु ज्यादा खरीद रहा है आय इनकम बढ़ने के साथ, पर एक्स वस्तु बाद में जाकर क्या हो जाती है, घटिया हो जाती है। तो इस प्रकार से इनकम कंजप्शन कर्व के आधार पर हम गिफिन वस्तुओं के बारे में भी बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु हीन है, कौन सी वस्तु